बुझल मैडम आज हम कोर कमेटी बना रहे हैं जन कल्याण बोर्ड के गठन के लिए, वो सीएम साहब से मिलेगी और बात करेगी। इसके अलावा हम ये चाहते हैं ईडब्ल्यूएस है 10% से बढ़ाकर 14% किया जाए और केंद्र की भर्तियों के अंदर जमीन मकान प्लाट की शर्त हटा करके इसका सरलीकरण किया जाए। हम ये चाहते हैं भाई कोई महिला आज शादी होकर के घर आ जाती है तो उसके पिताजी की आय ना जोड़ी जाए, खाली पति की ही आय जोड़ी जाए। इसके अलावा हम चाहते हैं साधु संतों पर आए दिन अत्याचार हो रहे हैं, उनके लिए भी वकीलों की तर्ज के ऊपर एक साधु संतों के लिए सुरक्षा एक्ट बने, कानून बने। इसके अलावा हम चाहते हैं कि जो ये ईडब्ल्यूएस है ये हर धारियों को दिए, हर जिला हेडक्वार्टर के ऊपर एक एक छात्रावास का गठन किया जाए। इसके अलावा हम चाहते हैं कि ईडब्ल्यूएस है इसमें पूरे भारत के अंदर सरलीकरण करके इसका पूरा बेनिफिट मिले, आने वाले निकाय चुनाव और पंचायत चुनावों के अंदर भी ईडब्ल्यूएस धारियों को आरक्षण दिया जाए। ऐसी मांगों को लेकर के हम ये केसरिया महापंचायत की थी और मैंने पहले ही कहा था कि जो गुलाबी नगरी है वो पूरी केसरिया में होगी और आपने देखा लाखों लोगों वहाँ हुजूम उमड़ा और केसरिया में पूरा जयपुर हुआ और हमने हमारी मांगे प्रमुखता से रखी है। सरकार जो बहरी गूंगी सरकारें हो जाती है तो उनको जगाने के लिए ऐसे प्रोग्राम करने पड़ते हैं और हमने किया। आज मैं यहाँ सीकर पहुँचा हूँ, सीकर पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ कि आपने यहाँ हज़ारों की तादाद में यहाँ से पहुँच करके केसरिया महापंचायत में हिस्सा लिया और आज जो भी डिसीजन आगे लिया जाएगा, चाहे जिला हेडक्वार्टरों के ऊपर कलेक्टर कार्यालयों का घेराव हो, प्रदर्शन हो, या फिर सीएम हाउस के ऊपर प्रदर्शन हो, उसका डिसीजन जो लिया जाएगा उसके अनुसार ही हम आगे बढ़ेंगे। हम हमारा हक मांगते हैं, किसी से कोई भीख नहीं मांगते। हम इस देश के वासी हैं, इस देश के बासिंदे हैं, तो फिर हमारी अनदेखी क्यों। इसलिए ट्राइबल एरिया के लिए भी मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि प्रतापगढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, ये डूंगरपुर जो ट्राइबल एरिया है उसके अंदर नक्सलाइट एरिया से कुछ युवा टर्निंग लेकर के आए हैं और वहां आए दिन वारदात घट रही हैं। एक ये नक्सलाइट एरिया नया तैयार हो रहा है, इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। ऐसी मांगों को लेकर के हमने ये केसरिया महापंचायत की और आपने देखा किसी ने कहा 6 लाख है, किसी ने कहा 5 लाख है, पर मैं उस बात पर नहीं जाना चाहता। मैं ये जाना चाहता हूँ कि पूरा जयपुरी 2 अप्रैल को केसरिया में नजर आया। आज धन्यवाद यात्रा पर मैं यहाँ सीकर पहुँचा हूँ, पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ कि आपने यहाँ से हजारों की तादाद में पहुँच करके इसका हिस्सा बने। देखो चुनावों के अंदर जो हमारी सुनेगा उसकी हम सुनेंगे, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, जो हमारी सुनेगा उसकी हम सुनेंगे।